न्यू फोन भैया 3 कैमरा का लिया है, ये देखो। मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको, मेरे साथ क्या हुआ। गड़ी गोड से आए हैं घुगुते मकर संक्रांति के। और दादी का नाम बुद्धि अम्मा। मेरी नानी से हम बहुत सारी बातें साते कर ली। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलकरणा, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे का आपको मौसम दिखाते हैं। अभी भी अंधेरा ही है, देखिए 6:30 बजे के टाइम पे देख रहे हो मौसम। और हमने जला रखी है सुबह सुबह आग, और मम्मी जी काट रही हैं सब्जी। अब बनाते हैं खाना पीना, सुबह शाम यही काम। मम्मी जी चाय बना देती हैं, हमारे पति देव काम में चले गए हैं, उनको भी देना है 8 बजे के टाइम पे खाना पीना। सब्जी मैं तपते पे ही बना ले रही हूँ, यहाँ पर आग भी सेक लेंगे और मेरा खाना पीना भी बन जाएगा। कमेंट करके बताना कौन कौन जहाँ पर आग सेकता है वहीं पे खाना पीना बनाता है। सब्जी बन गई मेरी, आटा गूंथ गया, अब रोटी बना लूँ मैं। आज आपको एक चिड़िया दिखाती हूँ जो कि हमारे यहाँ पर रोज आती हैं, बताना कौन सी चिड़िया है, मैं तो पहचान नहीं पाई, आप देख के बताना। ये वाली चिड़िया बताओ कौन सी है, मैं नहीं पहचान पाई। एक तो वो होती हैं, वो देखिए, वो तो मैं पहचानती हूँ, हम इसे कहते हैं फुट्टी चिड़ैया, देखो कितनी छोटी छोटी। पर ये कौन सी है ये नहीं पहचान पाई मैं। रोटी बना दी है, और किसी को रोटी खानी है तो किसी को चावल खाना है, अब चावल रख दिए हैं। आप भी बताना कि किस किस को चावल रोटी बनानी पड़ती है। नहा धोकर 1 बजे के टाइम पे मैं फ्री हुई हूँ, पूरा काम धाम कर। तो ये गड़ी गोड़ से आए हैं घुगुते मकर संक्रांति के, लो आप भी खा लो, स्वादिष्ट। एंड हैप्पी मकर संक्रांति, ये तो कहना भूल ही गई मैं। आए थे मीटिंग में जो कि उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति की अध्यक्ष हैं, जो कि हमारी सुनवाई की कि मतलब क्या क्या कमी है आपके यहाँ पर आपके गांव में। तो हमने सारी समस्याएं बता दी, जो जो समस्याएं थी, और हम लेकर आ रहे हैं मामी के घर से सेमी, जो कि हमारे पति देव काम पर जाते हैं यहीं पर आते हैं और कहते हैं मामी जी सेमी देना, बहुत अच्छी लगती है। तो मामी जी ने दे दिया है, और ये हमने दिया था अध्यक्ष जी को, ये देख रहे हो माता जी ले आई। नाना बोलता मौके दही पहले दादी। तो अब हम जा रहे हैं नानी के पास, फार्म वाली नानी के पास, जो कि बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी। उस समय क्रिसमस के टाइम पे आए थे, तब हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। नानी जी बोल रही थी कि आए नहीं, और हम कहाँ पीछे बैठे हुए थे और नानी लोग आगे बैठे हुए थे। तो आज मिलते हुए जा रहे हैं क्योंकि हम स्कूल पर आए थे ये बबनपुरी वाले, अब नानी से मिलते हैं। पहुंच गए हम नानी के पास, नानी अंदर हैं। नानी कह रही हूँ कुछ खाने के लिए लेके आई होंगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। नमस्ते, तो धूप कहाँ ना बैठी। भाई नानी से हम बहुत सारी बातें साते कर ली, और अब चल रहे हैं हम घर, ठीक है नानी। अच्छा मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है नानी। अच्छा बाबू, हमारी मामी जी ने लिया है न्यू फोन 12,500 का, पार्टी ले लेना, मामा जी से ले लेना। अभी दिखाते हो, देख रहे हम सेट कर रहे हैं, जीमेल बना रहे हैं, और पता ही नहीं है पता नहीं क्या क्या है, पासवर्ड वासवर्ड, नई जीमेल बना दे रहे हैं। ये देखिए न्यू फोन भैया 3 कैमरा का लिया है, ये देखो जाओमी का, ठीक है मामी जी से ले लेना या फिर मामा जी से ले लेना। मामी को ना, मामा को भैया। और ये कह रही मैं खिलाऊंगी फोन, क्या खिलाओगे फोन। ओ मैं वीडियो बना रही हूं। टोपी कहाँ गई, मम्मी ओढ़ी है। मम्मी ओढ़ी है, कहाँ ओढ़ी है। बताओ पापा जी का नाम, राजेश। मम्मी जी का नाम, पाया नाना। दीदी का नाम, प्रिया नाना। फिर दूसरी दीदी का नाम, प्रिया नाना। तीसरी दीदी का नाम, टप्पू नाना। और आपका नाम, कच्ची छाना। और दादी का नाम, बुद्धि अम्मा। बुद्धि अम्मा, क्या नाम है बता दो। बुद्धि अम्मा।
पापा जी क्या लेके आए थे? रसगुल्ले। रसगुल्ले? हाँ। हमें तो नहीं दिया, हमको नहीं खिलाए रसगुल्ले। नहीं खिलाए, मैं भी नहीं खिलाऊंगी, ये मैं छुपा ले रही हूँ। ठीक है, ले जो दवाई तो है, सेंस नहीं है। बाय। लेकर आए हैं टॉफी। हैप्पी बर्थडे समीर, लव टॉफी। ये रही टॉफी, और सब मिस कर दो समीर को, हैप्पी बर्थडे कह दो कमेंट में कह दो। और हमने बनाई है सब्जी, ये है अरबी की सब्जी। अरबी को हम बोलते हैं घुइया, तो ये घुइया की सब्जी है, कांजी, वो कांजी वाली मतलब तरी वाली, हम तरी को कहते हैं कांजी, तो कांजी वाली सब्जी है अरबी की। और मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको, साथ क्या हुआ? आप भी सोचेंगे। तो ये रही अलका जी, आज इन्होंने, मैंने मतलब फोन में मजाक किया, मैं तो गया था ये हार्ड वर्क करने, मैंने इनको मजाक किया मैं खाना मतलब बाहर से खा के आऊंगा मत बनाना, तो इन्होंने रियल में नहीं बनाया। मतलब आके देखा तो ये इतना सा भात बचा है, और मैं अंडे लेके आया हूँ, ये बोल रही है मैं अंडा राइस बना दूंगी, और बना भी नहीं रही है अब ये, तो मैं नहीं बनाऊंगी, रात हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे मजाक करना बहुत भारी पड़ गया। मजाक नहीं, खाकर आती अगर ज्यादा टाइम नहीं हो। ऐसा कौन करता, काम भी करो और भूखे भी रहो। तो ये बन रहा है अंडा, ये किस तरह से बता बना रही हैं, अब हमने हंस रही हैं। अपने बताइए कौन खाना नहीं देता है, सीधा पड़ेंगे देख लिए। ये बना इनका अंडा राइस, दुकान खोल ली उन्होंने, देखो कहाँ होगा इस इतने से, कुछ नहीं होगा। ये जल रही है आग, मस्त लग रही है, बिल्कुल मस्त आग ये। भाई भाई जी खा मैं ताऊ, चून चून तुम कर रहे हो रोटी, एक खान के राजी ना है कि मैं रोटी ना खाऊं। ताऊ ठीक है, फिर इनको बनाने देते हैं और मैं आग सेक लूं। राम राम सब जनी के, कैसे हो सब, कमेंट करके बता दियो। और ठंड कैसी कट रही है तुम्हारी? इतना तो मैं घर रह गई हूँ इकल्ली, क्योंकि पापा और हमारे पति देव गए हैं काम करन के, मम्मी गई हैं आम खेड़ा दिन धराई की मिठाई खान का और मच्छी खान का, और क्या करें गन्ना खा रहे हैं बैठे बैठे, जे फार्म के गन्ना है मांग लेते हैं, तो फिर आ जाओ खान के गन्ना। अब जी आए हैं जेठ जी हमारे, आस पड़ोस की सब गई हैं कटिया करने के, क्योंकि ठंड को समय चल रहा है, आगे तापन को हो सकता है, तो सब कटिया करने जा रही हैं। आज हमारी सासू माता का बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि वह कटिया करने के ना जा पाई, उनको दुई गट्ठा रह गए, तो उनके लगेगा बड़ा दुख है।